दोस्तों बिग बॉस के सीजन 15 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर चल रहा जंगली डाकू वाला टास्क वाकई काफी रोमांचक मोड़ ले चुका है, क्योंकि दोस्तों पहले राउंड के दौरान टीम प्रतीक, समेता और निशान ने जंगली डाकुओं की पहली सेना को खत्म कर दिया था, यानी कि चारों लड़कों को आउट कर दिया था, जिनमें उमर रियाज, सिम्बा नागपाल, ईशान सहगल और विधि पांड्या शामिल थे। दोस्तों इन चारों के आउट होते ही अपनी टीम को प्रोटेक्ट करने की, यानी कि जंगली डाकुओं की सेना को सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी टीम के सरदार यानी कि विशाल कोटियन और तेजस्वी प्रकाश के कंधे पर आ गई थी। जिसके बाद दोस्तों जब दूसरा राउंड शुरू हुआ तो तेजस्वी प्रकाश ने वाकई काफी शानदार तरीके से इस गेम को खेला और प्रतीक सहजपाल के ऊपर वो काफी ज्यादा भारी पड़ गई, क्योंकि दोस्तों प्रतीक सहजपाल बाहर आ गए थे गार्डन एरिया में, जिसके बाद वो डाकू की सेना को आउट करने के लिए यानी कि उनको कलर लगाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इस दौरान तेजस्वी प्रकाश ने अपनी शारीरिक क्षमता को दिखाते हुए प्रतीक सहजपाल को कसकर पकड़ लिया, और दोस्तों प्रतीक को इतना कसकर पकड़ लिया जिसके चलते प्रतीक अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए, और इस टास्क को तेजस्वी ने अपने दम पर काफी ज्यादा रोमांचक बना दिया। खैर दोस्तों बिग बॉस के लाइव फीड में अभी भी तेजस्वी प्रकाश प्रतीक को उसी तरीके से थामे हुए दिख रही है जैसे कि तेजू ने पहले से ही उसे रोक रखा है। लेकिन दोस्तों इस दौरान प्रतीक को रोकने के चक्कर में तेजस्वी के हाथ के कई नाखून भी टूट गए, जो कि उसने प्रतीक को भी दिखा दिए, और प्रतीक को नाखून दिखाते हुए तेजस्वी ने कहा कि देख मेरे नाखून टूट गए, मेरे खरोंच आ गई, लेकिन इसके बावजूद मैंने किसी को भी एक बार नहीं कहा कि मुझे चोट पहुंची है, और एक तुम लोग हो जो छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देते हो। पहले निशान को खरोंच आई तो वो रोना शुरू कर दिया, समिता को थोड़ी सी चोट क्या लग गई वो चिल्लाना शुरू कर दी थी, लेकिन मेरे इतने बड़े नाखून टूट गए लेकिन मैंने किसी को नहीं कहा, मेरे पैर में चोट लग गई लेकिन मैंने किसी को भी नहीं कहा। ये सुनकर दोस्तों कहीं ना कहीं प्रतीक सहजपाल को भी काफी शर्म महसूस हुई, क्योंकि लड़का होते हुए प्रतीक ने घर के लड़कियों पर चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि एक लड़की के हाथ में चोट लगने के बावजूद भी वो गेम को अपनी पूरी शारीरिक क्षमता के साथ में खेल रही है। फिलहाल दोस्तों तेजस्वी का ये अंदाज आपको कैसा लगा कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और बिग बॉस से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।